हैं ईंटे में हुए इस तरह के डैमेजेस को, जैसे कि वाइट स्पॉट होना, ग्रीन स्पॉट होना, दीवार का क्रैक हो जाना, प्लास्टर का झड़ जाना, तो आप पहले ही ईंटे को साइट पे चेक कर ले, तभी आप उसको अपने घर में यूज़ करें, तभी आप इस तरह के डैमेजेस को रोक सकते हैं। नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा, सिविल इंजीनियर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने साइट पे ब्रिक को, यानी कि ईटा को टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका जो ब्रिक आया हुआ है मटेरियल, उसका क्वालिटी कैसा है, आप उसका क्वालिटी टेस्ट अपने साइट पे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रिक का कलर टेस्ट करना है। जैसे कि ये जो आपका ब्रिक है, ये ब्राइट कलर का होना चाहिए, ब्राइट रेड, और पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा कलर होना चाहिए पूरे चारों तरफ से। तो यानी कि आपका ये अच्छे से पका हुआ है, जो ज़्यादा पक जाता है वो मरून टाइप का हो जाता है, वैसा ब्रिक आपको अवॉइड करना है। तो अब हम इसका बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट का। तो ये जो ब्रिक है, इसको आपको कुछ नुकीले चीज से स्क्रैच करके देखना है। अगर इस ब्रिक में आपका निशान बन रहा है तो ऐसे ब्रिक को आपको अवॉइड करना है। बट यहाँ पे मैं चेक कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्क्रैच का निशान नहीं आ रहा है। ये टेस्ट आप अपने नाखून से भी कर सकते हो, बट मेरे पास नाखून नहीं है तो मैंने इससे टेस्ट किया है। जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो है साउंडनेस टेस्ट। आपको रैंडमली किसी भी दो ब्रिक को लेना है और उसको आपको ऐसे टकरा के देखना है कि क्या साउंड आ रहा है। तो क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड जो है आपका, वो आना चाहिए, तब आपका ब्रिक जो है वो अच्छे क्वालिटी का टेस्ट हुआ। ब्रिक का स्ट्रक्चर को चेक करना है कि ब्रिक, तो आपको एक ईटा को तोड़ लेना है दो टुकड़े में, या तो रैंडमली कोई टूटा हुआ अगर ईट है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये जो ईटा है इसमें आपको कोई भी लम्स नहीं दिखना चाहिए। टूटा हुआ स्ट्रक्चर में जो वॉइड टाइप का बना हुआ रहता है, जिसमें एयर एब्जॉर्ब हो जाता है, उस टाइप का आपको नहीं दिखना चाहिए। तो ये है स्ट्रक्चर टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो ये कुछ चार पांच आपका टेस्ट है जो आप फील्ड पे साइट पे कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो उसमें क्या करना है, आपको एक ब्रिक को लेना है, ये ब्रिक का आपको वेट मेजर कर लेना है ड्राई में। ये ब्रिक अगर सूखा हुआ है तो आपको इसका वेट मेजर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाल्टी में आपको इसको पानी में डाल के 24 घंटे तक छोड़ देना है। कितने घंटे, 24 घंटे, यानी कि एक पूरा दिन छोड़ देना है। फिर अगले दिन आपको उसी ब्रिक को 24 घंटे के बाद इसी को निकाल के, आपको ये जो वाटर आपका एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद इसको वेटिंग मशीन में आप इसको टेस्ट कर लीजिए। तो जो वेट आपका ओरिजिनल वेट था उससे जो ये वेट है ज़्यादा आएगा, ये वेट आपका 20% अगर ज़्यादा आया तो ये आपका एप्लीकेबल है और ये आपका ब्रिक अच्छे क्वालिटी का है। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो ब्रिक आपका बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आप जो कंक्रीट, जैसे कि ये हमारा पारापेट वॉल है, इसमें जो ब्रिक के बगल में कंक्रीट है, तो वो ब्रिक कंक्रीट से पानी लेने लग जाएगा और आपका कंक्रीट और ब्रिक स्ट्रक्चर को वीक कर देगा। इसीलिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आप ज़रूर करें, एक दिन के लिए ब्रिक को डाल के छोड़ दें, उसके बाद आपका जो वेट है वो 20% अगर इंक्रीज करता है तो आपका ब्रिक अच्छे क्वालिटी का है। अब जो आपका टेस्ट है वो आपको एक रैंडम ब्रिक को लेना है और एक मीटर का हाइट से आपको इसको पटक के देना है। और अगर ये ब्रिक टूट जाता है तो ये ब्रिक बहुत वीक है, ऐसे ब्रिक को आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट में कभी भी यूज़ ना करें। और ऐसा आपको जो टेस्ट है वो रैंडम करना है, ऐसा नहीं कि जो अच्छा ब्रिक दिख रहा है उसके साथ हम करें। रैंडमली कोई भी ब्रिक को आपको ले लेना है और 1 मीटर के हाइट से इसको ड्रॉप करना है। और अगर ये नहीं टूटता है तो ऐसे ब्रिक को आप अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आपको साइट पे एक चीज़ और देख लेना है कि आपका जो भी ब्रिक आया हुआ है उसमें कहीं भी वाइट स्पॉट तो नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो अगर आपके ब्रिक में मौजूद अगर रहेगा, और वैसे ब्रिक को आप अगर साइट पे यूज़ कर लोगे तो वो वाइट स्पॉट टाइप का बना देगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा जो है वो मिला हुआ रहता है। तो उसमें आप कंक्रीट कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपके ब्रिक को डैमेज करता है, थोड़ा वाइट स्पॉट धब्बा टाइप का बन जाएगा आपके कंस्ट्रक्शन के बाद। इसीलिए वैसे ब्रिक को आप अवॉइड ज़रूर करना। और आपका जो भी ब्रिक है, आप कोई सा भी लो, चिमनी भट्टी ईटा लो या फिर
आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कैसा भी ब्रिक लो, आप उसमें शेप एंड साइज जरूर देखना कि आपका यूनिफॉर्म साइज है कि नहीं, एकदम शार्प एज है या नहीं, क्योंकि अगर ये राउंडेड रहेगा, अगर शार्प नहीं रहेगा तो फिर वो कंक्रीट में पकड़ नहीं पाएगा। तो साइज, शेप एंड साइज ये सब बहुत मैटर करता है। तो अपन साइड पे आप इसी तरह से टेस्ट करें ब्रिक का, और अच्छा क्वालिटी का ब्रिक को यूज़ करें अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि आपका सपनों का घर अच्छे से अच्छा बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।